ये जो जगह है आज से करीब कितना 1300 साल, 1300 साल अप्रोक्सीमेट पहले बनाई गई थी, और यू कैन से फंक्शनल थी। और अभी ये सिर्फ देखने की जगह बन गई है। रुको रुको रुको, कहानी की शुरुआत यहाँ नहीं। कहानी की शुरुआत होती है इसके पिछले वाले दिन रात के 12 बजे, जहाँ मैं अपने घर के बाहर अपना बैकपैक लेके कौशिक का वेट कर रहा था कि वो अपनी कार लेके आए और हम लोग अपने ट्रिप पे निकले। अपनी गाड़ी आ चुकी है दादा, लिफ्ट दादा। आ जाइए सर। तो रास्ता करीब 308 किलोमीटर लंबा था, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग भिवंडी रुके पेट्रोल भरवाने, और उसके बाद चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। दादा ये टोल का नाम क्या है? मडगा। मडगा? कोई तो मडगा टोल बोल रहे हैं। ये देखो, ये है मडगा टोल। यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है, चाय पीने के लिए रुके हम लोग, यहाँ पे मिलवा लेते सबसे। ये है मानुषी, ठीक है। ये है शायन, शायन शायन कलर होता ना, शायन शायन बंगाली में बोलते शायन। और ये तो कौशिक है, सब लोग जानते हैं इसको। और ये अपना रोड, यहाँ से वहाँ तक जाना है। ठीक है, टाइम हुआ है 4:12। ये कौन सी जगह है? पांडुली। ओके, तो जगह का नाम पांडुली है। ग्रेजुएट कौन है? क्या चीज? फ्रेंचाइजी। अच्छा, ग्रेजुएट फ्रेंचाइजी है, जैसे MBA चाय वाला है वैसा। अरे बाप रे, चाय एक नंबर, मजा आ गया चाय पी के। गाइस इन लोगों को बहुत ठंडी लग रही है भाई, इसको कहीं भेजेंगे इसको? मुझे उतना फील नहीं हो रहा है नॉर्मल। रन में तो कभी अभी मैं टेंपरेचर जैसा है, मार जाऊंगा। कितना है टेंपरेचर? 22। अभी यहां पे थोड़ा सा कम हो सकता है, मैं पहले चेक किया था तभी। तो यहां पर 16 होगा, 21 है। Okay. तो देख लो कैसा है, 21 टेम्परेचर है। और इन लोग की हालत देखो दोनों की, ये तो देखो पैर वैर भी ये तो थोड़ा एक्सट्रीम में निकल गया, इसको चद्दर वद्दर दो बाबा। तो यहाँ थोड़ा टाइम पास करने के बाद हम पहुंचे इस एक्सप्रेस वे में, जो अभी तक का मेरे लाइफ का सबसे फास्टेस्ट एक्सप्रेस वे है। गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो गया है 5:56, मतलब सुबह के 6 बजे हैं। और ये देखिए अपना मैप में दिखा रहा है, अभी भी 52 मिनट्स है और बाहर का नज़ारा वो बहुत ही सुंदर। और ये हाईवे है, एक्सप्रेसवे, एक्चुअली ये एक्सप्रेसवे है और द्रुतगति महामार्ग। हाँ, 120 का स्पीड लिमिट है भाई, मज़ा आ गया एकदम। 120 का स्पीड लिमिट, क्या आपने ऐसे रोड पे कभी ट्रैवल किया है? मैं तो 120 का स्पीड लिमिट में पहली बार जा रहा हूँ, इससे पहले कभी नहीं गया हूँ। गाइस, इतनी देर तक हम लोग 120 वाले रोड पे थे और अभी हम लोग 12 वाले सिर्फ 10 वाले रोड पे आ गए हैं। ये देखो बढ़िया रोड है, कांच थोड़ा नीचे करके आपको बाहर का नजारा दिखाता हूँ। कुत्ते यहाँ पे एंजॉय करने निकले हैं, अंकल वहाँ पे अपना पेट साफ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा कचरा गिरा है और यहाँ पे एक मस्जिद है। और कौशिक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो? देखो रास्ता उधर है एक्चुअली, उधर, लेकिन कौशिक को इधर जाना पड़ रहा है गड्ढे को जाने, क्योंकि रास्ता है ही नहीं, गड्ढों में रास्ते हैं, ढूंढने पड़ रहे हैं। तो आखिरकार टिकट काउंटर ओपन होने से कुछ 15 मिनट पहले हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, गाड़ी पार्क किया,
फिर चाय की चुस्की ली। इतने में ये अंकल आ गए कुछ बुक्स बेचने के लिए, तो इनके बुक्स भी थोड़े चेक कर लिए और फिर बारी आती है एंट्री की। एवरी ट्यूसडे बंद रहता है, तो ट्यूसडे को अगर प्लान कर रहे हो मत करो। वो है टिकट काउंटर और ये दादा कुछ बेचने के लिए आ रहे इधर ही। ओके, और वहाँ से है एंट्री और यही है पहाड़। ये जो जगह है आज से करीब कितना 1300 साल अप्रोक्सीमेट पहले बनाई गई थी और यू कैन से फंक्शनल थी, और अभी ये सिर्फ देखने की जगह बन गई है। नेटवर्क ऐसे हो गया ना? चेक हो गई नहीं। दो तीन फ्लोर है, हम लोग एक फ्लोर के ऊपर हैं। ये उन लोग, ये जो छत है ये छत पहले बनाई गई थी, उसके बाद नीचे वाला रूम बना, पता है? ये दुनिया की शायद मुझे पता नहीं एक ही ऐसी जगह है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, लिस्टेड है। इसको ऊपर से नीचे बनाया गया। यहाँ से हम लोग अगर हमारे लेफ्ट की तरफ जाएंगे, मतलब इस तरफ, तो यहाँ पे सिर्फ बौद्ध टेंपल है। यहाँ से स्टार्ट करके आगे आई थिंक आगे तक हिंदू टेंपल्स है और उसके बाद जैन टेंपल्स है। तो हम लोग अभी इस तरफ ही पढ़ रहे हैं, शायद मतलब और हिंदू टेंपल अपने को मिलेंगे, देखते हैं क्या क्या है। धूप मस्त आ गई एकदम। अच्छा ये देखो, ये यहाँ से आए, ये केव है और यहाँ पे कुछ तो कार्विंग्स किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ से अपने को क्या फाइंडिंग्स मिली सर? कुछ भी नहीं, लेकिन एक शांति फील हुआ जिसलिए वो लोग आते थे। शायद सम्राट अशोक यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे आके कि नहीं पता नहीं, लेकिन उन्होंने भी बौद्धिज्म लिया था। तो बहुत लोगों का ये मतलब उस टाइम का बहुत एक राजा महाराजाओं का एक बहुत ऐसा केंद्र हुआ करता था जहाँ पे सब लोग आके मिलते थे एक जगह पे। बहुत अलग अलग देशों के राजाओं भी आते थे यहाँ पे। हाँ, 1300 साल पहले आई थिंक था कि नहीं गाइस, बताओ तो। 1300 साल पहले अशोक था ना? मुझे नहीं पता, कोई तो बोल रहा था यूट्यूब में, तुम ही बताओ यूट्यूब वाले सही बोल रहे कि गलत। ओके, केव के अंदर बहुत कुछ तो नहीं मिल रहा है, मतलब एकदम खजाने टाइप कुछ दिखने को तो नहीं मिल रहा है, वो खाली कार्विंग्स ही है जो वो वाले केव में भी था। उस केव का नंबर क्या था? 16B। ओके, केव नंबर 16B वो था यहाँ पर। और भी है, छोटे हैं, ये सबसे बड़ा वाला था, सबसे पहले देख लिया, और भी कुछ छोटे छोटे हैं, देखते देखते जाएंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ा बैठ गया हूँ ऐसे,
मैं कहीं पर भी जाता हूँ थोड़ा, मतलब वो जगह को इन्जॉय करने के लिए थोड़ा बैठ जाता हूँ। तो ये देखिए क्या देख रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ से वहाँ पे वो पहाड़ दिख रहा है, मुझे पता नहीं आपको कितना बड़ा दिख रहा होगा। यहाँ से लोग अंदर घुस रहे हैं, यहाँ पे एक पूल जैसा बना हुआ है, लोग पानी वानी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सामने एक ब्रिज है पेड़ों के पीछे, वहाँ से रोड है, वहाँ पे जाएंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। और सामने वो पूरा एरिया खाली, बहुत सुंदर लग रहा है। आप बताओ ये नज़ारा सुंदर है कि नहीं, अगर है तो एक क्या करना है आपको पता है। तो हम लोग यहाँ से निकले, उस ब्रिज पे आए, ब्रिज को क्रॉस किया, थोड़ी दूर तक गए, कुछ और भी केव्स हमको दिखे। हम उस केव्स के अंदर गए, लेकिन मेनली जो मेन केव का जो गेट था वो ऑलवेज़ हम लोग को बंद ही दिखा। पता नहीं शायद उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट ने किया होगा ताकि चोरियाँ ना हो। केव के अंदर कार्विंग्स या फिर बहुत सारे मूर्ति होती है जो चोरी हो जाती है, यहाँ पे एक्चुअल में कोई रहता नहीं है। तो थोड़ी दूर जाने के बाद कौशिक का, मतलब कौशिक की हिम्मत और नहीं थी उसकी बॉडी से, और वो बोल रहा था इस गर्मी में मैं और नहीं चल सकता। तो कौशिक थोड़ी देर पहले ही रुक गया और हम लोग थोड़ा आगे तक गए, देखा, लेकिन हम लोग को भी बहुत अच्छा कुछ दिखा नहीं। तो हम लोग ने वहाँ पर थोड़े फ़ोटोज़ खींचे, थोड़े रील्स बनाए और फिर हम लोग वापस आए। वापस आते टाइम हम लोग ने नींबू पानी पिया। नींबू पानी पीने के बाद हम लोग करीब 9:30 बजे वहाँ से निकल गए। और रास्ता बहुत सुहाना था, बहुत अच्छा रास्ता था, हाईवे था, उसके बाद पहाड़ी रास्ता था, और ऐसे करके हम लोग घर पहुँच गए। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट दिखाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग डेफिनेटली वेट करोगे। मैं भी कोशिश करूँगा बहुत जल्दी वीडियो लाने का, पता है थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन क्या करें, यही ज़िंदगी है। तब तक के लिए गुड बाय।